ऐसे दूध कैसे पिलाया जाए? बहुत सारे मम्मीज का ये प्रॉब्लम है, इनफैक्ट मेरा भी ये प्रॉब्लम था कि मेरा बच्चा बॉटल से दूध ही नहीं पीता, तो मैं कैसे बॉटल से दूध पिलाऊं। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बॉटल से दूध पिलाना एक ट्रिक से हो जाएगा बहुत ही आसान, है ना सीनू? सो हाय 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 ओके ब्रुम ब्रुम हो गया, हम लोग पहुंच गए यूट्यूब के चैनल पे। ब्रुम ब्रुम करके मैं और सीनू यूट्यूब के चैनल पे पहुंच गए। ओके सीनू, हाय मम्मीज एंड डैडी, मैं हूँ चांदनी सिंह, ये सीनू और मैं इसकी मम्मा, है ना सीनू? ओके सो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि बच्चे को, जो छोटा बच्चा और शैतान बच्चा है, जो बहुत शैतान बच्चा है ना सीनू, बच्चे को बॉटल से और ग्लास से दूध कैसे पिलाया जाए। क्या बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है और ब्रेस्ट फीड करते करते अचानक से उसको कुछ नया जो कि उसको टेस्टलेस लग रहा है, क्योंकि मम्मा ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो तो बचपन से बच्चा पी रहा है ना, और अचानक से उसको कुछ और इंट्रोड्यूस कराएंगे तो बच्चे वो जल्दी नहीं लेना चाहते हैं। इसके लिए आप बॉटल में पहले अपना ब्रेस्ट मिल्क देके बच्चे को बॉटल इंट्रोड्यूस कीजिए। कुछ दिन तक अपना ब्रेस्ट मिल्क दीजिए, उसके बाद जो है बच्चा आराम से बॉटल लेने लगेगा। फिर आप बीच में क्या कीजिएगा, कभी ब्रेस्ट मिल्क दीजिएगा, कभी फॉर्मूला मिल्क दीजिएगा। फॉर्मूला मिल्क में एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये मैंने मिस्टेक किया है तो मुझे लगता है कि बहुत सारी मम्मीज भी करती होंगी। बच्चा क्या कभी कभी डिनाई करता है कि नहीं मुझे दूध नहीं पीना अभी, ठीक है, जैसे उसने कुछ खाया हो और तुरंत उसको दूध दे रहे हैं या ये आधे घंटे बाद दे रहे, तो उसका मन नहीं करता। तो थोड़ा टाइम दे करके गैप, एटलीस्ट दो घंटे का, खाना खाने के 2 घंटे के बाद बच्चे को दूध दीजिएगा, या अगर आप उसने पहले ब्रेस्ट मिल्क ले लिया है तो 2 घंटे के बाद ही उसको दूध दीजिएगा, ठीक है। उसमें क्या करना है कि आप जब भी बच्चे को दूध देना फॉर्मूला मिल्क, तो ज़्यादा गर्म भी नहीं देना है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं देना है। क्योंकि मेरा बेटा क्या करता था, मैंने जो मिस्टेक किया है, हमेशा वो ज़्यादा गर्म तो मैं देती नहीं थी, क्योंकि कोई भी मम्मी नहीं देगी, बट ठंडा क्या होता था कि मैं इसको देती थी और ये जब नखरे करता था ना कि नहीं पीना, तो उसमें क्या होता था कि और ठंडा हो जाता था, और ठंडा होने की वजह से क्या कि ये बिल्कुल भी नहीं लेता था। तो मैंने 2-3 पैकेट मेरा ना बहुत वेस्ट हुआ है, तो इसकी वजह से मैंने एक दिन क्या किया ना कि इसने ले ही नहीं रहा था दूध, तो मैंने हल्का, जैसे ब्रेस्ट मिल्क होता है ना, जब भी आप ब्रेस्ट मिल्क वाटर में डाल के बच्चे को देंगे ना, तो आप देखिएगा ब्रेस्ट पंप यूज़ करिएगा तो वो जो मिल्क होता है ना वो हल्का वार्म होता है, ठीक है, तो हल्का गर्म जैसे कि होना चाहिए बच्चे आराम से पी सके आसानी से, उतना हल्का गर्म आप आराम से उसको पिला सके। एक बार ट्राई करके देखिए, मुझे लगता है बच्चा ज़रूर पिएगा। और सीनू को थोड़ी सी सर्दी हो गई है, तो सो आगे चलते हैं। एक्चुअली हमारे चैनल का यूट्यूबर यही है। सो सीनू, चिकी चिकी चिकी, से हाय से हाय से हाय हाय। सो मेरा सिंपल ये कंसर्न है कि अगर आप बच्चे को बॉटल या ग्लास इंट्रोड्यूस करवाएं, तो आप अपने ब्रेस्ट मिल्क से ही करवाएं, इससे क्या बच्चा बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर लेता है, ठीक है सीनू, है ना सीनू? सो व्यूअर, अगर आपको सीनू का ये ब्रुम 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 वाला पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।